पार्ट में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर देख चुके हैं. हम इन दिस पार्ट विल लर्न अबाउट डिफरेंट स्किल एंड ग्रामर. नाउ लेट्स सी इज एंड आर कैसे यूज करना है. वी यूज द डूइंग वर्ब इज. डूइंग वर्ब किसको कहा है? वर्ब. वर्ब को क्या कहा है? डूइंग वर्ब. वी यूज द डूइंग वर्ब इज फॉर वन थिंग और पर्सन. Harry is in the garden. अगर कोई भी एक thing है, one thing है और one person है तो उसके लिए हम क्या use करते हैं? ये जैसे कि example दिया गया है. Harry is in the garden. Then we use the doing word means verb. Are ये verb हम कब use करते हैं? Doing word are for more than one thing or person. एक से अगर ज़्यादा कोई thing है या person है तो हम क्या यूज़ करते हैं? आर. एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर. लीजा एंड मदर आर इन द गार्डन. आर क्यों यूज किया है? बिकॉज यहाँ पर लीजा है एंड उसकी मामा भी है तो यहाँ पर टू पर्सन है इसके लिए यहाँ पर आर ये डूइंग वर्ड यूज किया गया है. लेट्स सी. देन वी यूज द डूइंग वर्ड मींस वर्ब एम विद आई. एम ए एम कब यूज किया जाता है? उन्हीं आई के आगे ही एम जैसे एम ये डूइंग वर्ड यूज किया जाता है. जैसे कि आई एम टॉप, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय. ओके, जब खुद के बारे में इंट्रोडक्शन हम देते हैं, खुद के बारे में जब बोलते हैं, इट मीन्स आई के आगे हम ऑलवेज क्या लगता है? एम. देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम और आर. यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं. वहाँ पर हमें कौन से डूइंग वर्ड यूज करने हैं? इज एम और आर के डूइंग वर्ड्स हमें यूज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. लीजा एंड एन. तो यहाँ पर कितने पर्सन हैं? टू पर्सन. लीजा एंड एन. इसके लिए यहाँ पर कौन सा डूइंग वर्ड यूज किया गया है? आर सिस्टर्स. लीजा एंड एन आर सिस्टर्स. माय आंट. ये क्या है? ही शी इट. इनके आगे क्या लगता है? इज. ओके, माय आंट इज अ पायलट. देन द कार इज ब्लू. कार कैसे है? ब्लू. द कार इज ब्लू. देन आई. आई आया है, इट मीन्स क्या लेना है हमें? एम. खुद के बारे में है. आई एम सिक्स इयर्स ओल्ड. नेक्स्ट इज द फ्रूट्स. फ्रूट्स कहा है? फ्रूट कहा है क्या? फ्रूट्स यानी बहुत सारे फ्रूट्स हैं. ओके, द फ्रूट्स आर इन द बास्केट. फ्रूट्स के आगे आर क्यों लगाया है? बिकॉज यहाँ पर एस लगाया है, इसका मतलब बहुत सारे फ्रूट्स है. इसके लिए यहाँ पर एक से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आर यूज किया है. द फ्रूट्स आर इन द बास्केट. व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपन वी यूज वॉज और वेयर. जब कोई ऐसी ऐसा थिंग है जो हो चुका है, ओके, पास्ट में हो चुका है, जब प्रेजेंट में हम बोलते हैं शी इज, ऐसे यूज करते हैं. और जब पास्ट में हमें बताना है मतलब हो चुकी है वो बात, तो हम क्या यूज करते हैं? वॉज एंड वेयर. वॉज कब यूज करते हैं? जब वन थिंग है. एंड वेयर कब यूज करते हैं? जब वन से ज्यादा है, मोर देन
इलेक्ट्रॉन्स आर डूइंग व्हाट बॉल्स और चिल्ड्रन है इसका मतलब बहुत सारे बच्चे हैं वहां पर इसके लिए यहां पर क्या यूज किया गया है वेयर द चिल्ड्रन वेयर इन द प्लेग्राउंड नेक्स्ट अगेन चिल्ड्रन आया है सब चिल्ड्रन वेयर चिल्ड्रन है इसकी वजह से कौन सा डूइंग वर्ड यूज किया है वेयर सब चिल्ड्रन वेयर ऑन द स्लाइड जैसे कि यहां पर पिक्चर में दिखाया गया है इस पिक्चर के ये क्या है सेंटेंसेस सब चिल्ड्रन वेयर रनिंग अराउंड लीजा लीजा ये कैसे है ओनली वन चाइल्ड है एक लड़की है इसके लिए यहां पर क्या यूज किया है लीजा वाज वेयरिंग हर न्यू स्कूल यूनिफॉर्म एंड लास्ट वन शी वाज वेरी हैप्पी शी वाज वेरी हैप्पी नेक्स्ट देखिए यहां पर कुछ एक पिक्चर है क्या करना है हमें लेट्स सी वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5 टेक चाइल्ड इन द ग्रुप वी मेक अ सेंटेंस अबाउट दिस पिक्चर यूज द डूइंग वर्ड्स इज और आर जैसे कि डूइंग वर्ड हम यूज कर चुके हैं पहले इज और आर तो उसी को यूज करके हमें यहां पर इस पिक्चर को देख के कुछ सेंटेंस बनाने हैं सेंटेंस कैसे बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा पिक्चर दिखाई दे रहा है हमें दिस इज अ बुकशॉप कौन सा पिक्चर है ये दिस इज अ बुकशॉप देन उसके बाद क्या है बुकशॉप में क्या होगा यस बुक्स होंगे तो हमारा सेंटेंस कैसे होगा बहुत सारे बुक्स है मतलब इज आएगा कि है सो हां देयर आर मेनी बुक्स इन द शॉप ओके नेक्स्ट देखिए यहां पर कौन है मम्मी पापा ये क्या करे बुक्स देख रहे तो दोनों है इट मींस टू पर्संस है क्या होगा यहां पर कौन सा डूइंग वर्ड यूज होगा आर मम्मी एंड पापा आर लुकिंग एट द बुक्स ओके कुछ गर्ल है कुछ बॉयज है उनकी क्या एक्शन हो रही है देखिए ये गर्ल है क्या यूज किया हमने इसके लिए नाम जिया जिया इज जिया ये क्या है वन लिटिल गर्ल है ओके जिया इज होल्डिंग अ पेंसिल जिया इज होल्डिंग अ पेंसिल देन ये बॉय है Ravi is playing with ball. अगर he, she, it means किसी girl का नाम आता है, boy का नाम आता है, किसी एक person का नाम आता है, तो उसके आगे क्या लगेगा? His. Then, Mona is reading a picture book. Okay, तो हमें कौन से doing word use करके यहाँ पर sentence write करने हैं? So, his और her ये doing word use करके हमें यहाँ पर sentences complete करने हैं. Now let's see what is next. See, listen carefully. अगर हम क्लास में होते तो क्या होता है टीचर से कुछ क्वेश्चन आपको पूछ के हमें राइट नहीं करना है ओके क्या करना है सिर्फ टीचर कुछ क्वेश्चन पूछती है और आपको क्या करना है आंसर करना है तभी हमारा ये वीडियो लर्निंग हो रहा है तो हमने क्या किया है आपको कुछ क्वेश्चन राइट किए हैं विद आंसर यहाँ पर क्वेश्चन राइट किए हुए हमें क्या करना है टीचर विल आस्क यू सम क्वेश्चंस थिंक एंड आंसर अगर क्लास में होते तो क्या करते टीचर कुछ क्वेश्चंस करते और आप कुछ उसका उसके बारे में सोच कर आपको क्या करना था आंसर व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट कलर्स डू यू लाइक तो फिर हर एक का अलग अलग आंसर आ सकता है राइट हर एक का तो फेवरेट कलर अलग हो सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया आई लाइक रेड पिंक कलर्स ओके तो हर एक चाइल्ड का क्या होगा अलग अलग कलर्स होंगे जो उसे पसंद है Then, what do you like to read? आपको क्या रीड करना पसंद है तो हर एक चाइल्ड का अलग अलग भी आ सकता है मैंने यहाँ पर क्या राइट किया है आई लाइक रीड स्टोरी बुक्स आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक क्या मिसिंग है यहाँ पर यस हमें फिर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स ओके आई लाइक टू रीड हमें क्या क्या पसंद है पूछा है क्या रीड करना पसंद है ओके सो हमें आंसर में कैसे करना होगा आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स ओके सो नेक्स्ट इज व्हाट डू यू लाइक टू डू आपको क्या करना पसंद है यहाँ पर भी हर एक आंसर अलग आ सकता है किसी को टीवी देखना पसंद है मीन्स कार्टून देखना पसंद है किसी को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है तो मैंने यहाँ पर क्या राइट किया है आई लाइक मीटिंग फ्रेंड्स किसी को फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद Then last one is, what do you like to eat? आपको क्या खाना पसंद है? The answer is
पार्टनर बना के ऐसे कुछ आंसर्स खुद ने भी देने हो, कुछ क्वेश्चन भी पूछने हो और अपने पार्टनर को आंसर करके भी देना हो। एक एग्जांपल हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, व्हाट मस्ट वी नॉट डू इन अ गार्डन। गार्डन में हमें क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि लीजा ने क्या सीखा है गार्डन में, यस फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए। सो पार्टनर क्या आंसर देगा, वी मस्ट नॉट प्लग फ्लावर्स, वी मस्ट नॉट प्लग फ्लावर्स। ओके, वी मस्ट नॉट, हमें क्या नहीं करना चाहिए, वी मस्ट नॉट, ये इस वर्ड्स को यूज करना है। देखिए कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये वर्ड्स यूज करके हमें क्वेश्चन एंड आंसर पार्टनर पर जो भी हम पार्टनर बना रहे हैं उसको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ आंसर आपने बोले, कुछ क्वेश्चन आपने पूछने हैं और पार्टनर को आंसर करके। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है, इन अ ज़ू, इन अ मूविंग बस, इन अवर हाउस, ऑन द रोड। ओके, फर्स्ट व्हाट मस्ट वी नॉट डू इन अ ज़ू, जैसे कि अगर हम ज़ू में जाते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आंसर करोगे, यस देखिए वी मस्ट नॉट टीज एनिमल्स, एनिमल्स को चिढ़ाना नहीं चाहिए, राइट। अगर हम ज़ू में जाते हैं तो हम सिर्फ देख सकते हैं, उन्हें चिढ़ाएंगे क्या, नहीं, वी मस्ट नॉट टीज एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट है व्हाट मस्ट वी नॉट डू इन अ मूविंग बस, हमें मूविंग बस में क्या नहीं करना चाहिए, सो हमारा पार्टनर आंसर क्या करेगा, अदरवाइज हम क्या आंसर करेंगे, वी मस्ट नॉट, क्या है, वी मस्ट नॉट पुट अवर हैंड्स आउट ऑफ बस विंडो, बस की जो विंडो है उसमें से हाथ हमारा बाहर नहीं निकालना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट मस्ट वी नॉट डू इन अवर हाउस, हमारे हाउस में हमें क्या नहीं करना चाहिए, जो मोस्ट ऑफ चिल्ड्रंस स्मॉल चिल्ड्रंस करते हैं, वी मस्ट नॉट राइट एनीथिंग ऑन हाउस वॉल, राइट, इट मीन्स हमारे हाउस वॉल पर कुछ भी राइट नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट मस्ट वी नॉट डू ऑन द रोड, हमें रोड पर चलते क्या नहीं करना चाहिए, जो हम अक्सर करके हमसे हो जाता है, सो क्या पार्टनर क्या आंसर करेगा, वी मस्ट नॉट, और इसे याद रखना है वी मस्ट नॉट, जैसे कि हमने कोई अगर कहीं हमें ऑफर करता है तो रिस्पेक्टफुली आंसर करना है, येस प्लीज, नो थैंक यू, उसी तरह से यहाँ पर वी मस्ट नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, रोड पर हमें गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। अभी हो गया हमें स्पीकिंग की, यहाँ पर हमें क्या डेवलप करना है, हमारी राइटिंग, एक पिक्चर दिखाया गया है यहाँ पर, मीनिंगफुल सेंटेंस हमें यहाँ पर रेडी करना है। देखिए पिक्चर में टू गर्ल्स है, बॉल खेल रहे, कहाँ पर है, ये पार्क में है, उसी से रिलेटेड हमें कंप्लीट करना है। लुक एट द पिक्चर, कंप्लीट द सेंटेंसेस, फर्स्ट इज लीजा इज इन द, कहाँ पर है, यस पार्क, हमें खुद से राइट करना है। ओके, लीजा इज इन द कार, शी इज विथ हर फ्रेंड, दे वेयर प्लेइंग विथ अ बॉल, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर प्लेइंग विथ अ बॉल। ओके, दे आर क्यों यूज किया गया है, बिकॉज इट टू चाइल्ड, ओके, इसके लिए दे आर प्लेइंग विथ अ बॉल, दे आर वेरी हैप्पी, वो खेलते हुए हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी। नेक्स्ट, ड्रॉ फ्लावर यू लाइक एंड राइट अ फ्यू वर्ड्स अबाउट इट, नाउ यूज द वर्ड्स टू राइट टू सेंटेंसेस अबाउट द फ्लावर्स। क्या करना है हमें, जो फ्लावर हमें पसंद है उसकी एक ड्रॉइंग निकालनी है एंड देन कुछ वर्ड्स वहाँ पर राइट किए करनी है, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, सनफ्लावर ड्रॉ किया है, देन ये कैसे होता है, इसके पेटल्स सॉफ्ट होते हैं, ये जो पेटल्स ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, देन ये सनफ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल है, देन कलर में कैसा है, येलो, इसी तरह से अगर रोज हम राइट करते हैं तो येलो रेड आएगा यहाँ पर, ब्यूटीफुल, उसके भी जो पेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं, और उसको रिलेट करके इस वर्ड्स को यूज करके हमने यहाँ पर सेंटेंस राइट करनी है, दिस इज अ ब्यूटीफुल सनफ्लावर, इट हैज सॉफ्ट पेटल्स, इट हैज सॉफ्ट पेटल्स, इसके पेटल्स कैसे हैं, सॉफ्ट। नाउ लाइफ स्कीम, जैसे कि इसके पहले हमने देखा
शो दैट यू केयर फॉर द एनवायरमेंट. कुछ ऐसे सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं, आपको भी क्या करना है. जैसे लीजा ने सीखा है एनवायरमेंट की केयर करना, सो आपने भी यहाँ पर अगर आप हमेशा वैसे करते हैं तो और वैसा कभी भी नहीं करते हैं तो नेवर राइट करना है. ओके, लेट्स सी फर्स्ट सेंटेंस. आई ऑलवेज टर्न द टैप ऑफ व्हेन आई ब्रश माय टीथ. अगर हम ब्रश कर रहे तो हम जो टैप है वो ऑन रखेंगे क्या? नहीं, बिकॉज क्या हो जाएगा उससे, जितना टाइम हम ब्रश कर रहे हैं क्या होगा, अपना पानी वेस्ट हो जाएगा, राइट. तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो टैप है वो ब्रश करते वक्त ऑफ रखना है. आई ऑलवेज मतलब मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, जब मैं ब्रश करती हूँ तो टैप कैसे रखता है करती हूँ. और नेक्स्ट इज आई नेवर स्पॉइल द वॉल्स ऑफ माय होम. जैसे कि इसके पहले हम देख चुके हैं आई मस्ट नॉट क्या राइट एनीथिंग ऑन हाउस वॉल. हमें वॉल पर कुछ लिखना चाहिए क्या? नहीं. तो आई नेवर मैं कभी भी अपनी जो हाउस की वॉल है उसे स्पॉइल नहीं करती, मीन्स कुछ खराब नहीं करती, कुछ राइट नहीं करती. ओके, नेवर मतलब कभी भी नहीं करती. आई नेवर प्ले म्यूजिक लाउडली व्हेन समवन इज स्टडी. मुझे पता है कि मेरे साइड के रूम में अगर कोई स्टडी कर रहा है तो फिर भी पता होने के बाद ही मैं लाउडली म्यूजिक सुनती हूँ क्या? नहीं. तो नेवर कभी भी ऐसे नहीं होता है. इससे क्या होगा, हमारी वजह से तो जो कोई स्टडी कर रहा है उसको क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा. सो हमें ऐसे नहीं करना है. आई नेवर. ओके, ये क्या है, हमारा लाइफ स्किल है, इसे याद रखना है, हमें इसे हमारी रूटीन में लाना है. ओके, हमें क्या ऑलवेज करना है, क्या कभी भी नहीं करना है. देन नेक्स्ट वर्ड आई नेवर हार्म प्लांट्स और ट्रीज. जैसे कि लीजा ने सीखा है कि फ्लावर्स को तोड़ना नहीं है. जैसे कि प्लांट को चलते चलते छोटा सा प्लांट कहीं चलते चलते उसको हाथ में ले लेते हैं, तो उस तरह से नहीं करना है, मैं कभी भी नहीं करता हूँ. नेवर. आई ऑलवेज री यूज ओल्ड शीट्स ऑफ पेपर. जैसे कि यूज राइट किए हुए ओल्ड शीट्स से तो हम क्या करते हैं उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, कभी कभी क्या होता है उसका रीयूज भी हो सकता है. ओके, सो आई ऑलवेज री यूज ओल्ड शीट्स ऑफ पेपर. नेक्स्ट वर्ड आई ऑलवेज स्विच ऑफ द फैन बिफोर